नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.6 का जो है हल करेंगे, और इसमें जो है इस वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 3.6 के अंतर्गत मसप ज्ञात करना सीखेंगे, यानी मसप के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न ए में बताया है कि 18 और 48 तो हम मसप ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले जिस संख्या का हमें मसप ज्ञात करना है उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ए में हमें 18 और 48 का मसप ज्ञात करना है, तो पहले हम संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड के रूप में हमें 2 × 3 × 3 प्राप्त होंगे। इसके बाद दूसरी संख्या जो है 48 है कि अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये इस प्रकार इनके अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी जो भी संख्या है उनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सर्वउभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। तो हम इसमें देखते हैं 2 और 3 जो ऐसी संख्या है गुणनखंड है जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों को हम जो है लिख देते हैं, तो सार गुणनखंड बराबर 2 × 3। अब इनको हम 2 × 3 को गुणा करते हैं तो बराबर 6 उत्तर प्राप्त होते हैं। अतः 18 और 48 के जो है मसप जो होगा वो बराबर 6 होगा। इसी प्रकार प्रश्न बी में बताया है 30 और 42, तो 30 और 42 में हम देखते हैं कि संख्या 30 के जो है अभाज्य गुणनखंड बराबर होंगे 2 × 3 × 5, और संख्या 42 के जो है अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 3 × 7। इन दोनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम इसमें देखते हैं कि दोनों में कौन से जो है गुणनखंड मिल रहे हैं या उभयनिष्ठ है। इसमें भी हम देखते हैं 2 और 2 उभयनिष्ठ है, 3 और 3 गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो मसप बराबर 2 × 3 बराबर जो है 6 जो है हमें उत्तर प्राप्त होंगे। इस प्रकार से जो है हम दो संख्याओं का मसप ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न संख्या सी में बताया गया है कि 18 और 60 के जो है मसप ज्ञात करना है, यानी दो संख्या 18 और 60 इनका हमें मसप ज्ञात करना है, तो पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होंगे 2 × 3 × 3, फिर जो है 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 5। अब हम देखते हैं इन दोनों में जो है सार्वभौमिक गुणनखंड कौन से हैं, वो 2 और 3 है, तो 2 और 3 को हम गुणे के रूप में लिख देते हैं तो बराबर 6, अतः 18 और 60 का जो मसप होगा वो 6 होगा। इसी प्रकार प्रश्न डी में हम देखते हैं 27 और 63 का मसप ज्ञात करना है, यानी 27 और 63, तो पहले 27 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हमें 3 × 3 × 3 प्राप्त होंगे। इसके बाद हम 63 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 7। अब हम देखते हैं इन दोनों का जो सारू उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 3 × 3 है, तो 3 × 3 बराबर 9 होते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का जो मसप हुआ वो 9 हो गया। इसी प्रकार प्रश्न संख्या ई में हम देखते हैं 36 और 84, तो 36 के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 × 2 × 3 × 3 होंगे, और 84 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 × 2 × 3 × 7, अतः मसप जो होगा वो 2 × 2 × 3, यानी ये जो है सार्वभौमिक गुणनखंड है इनको हम गुणा करेंगे तो बराबर गुणनफल 12 उतर आएगा, और वही इन संख्याओं का जो है मसप है। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं एफ में दी हुई संख्या है 34 और 102, तो पहले 34 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 × 17, ठीक है, फिर 102 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 × 3 × 17। अब हम देखते हैं इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 × 17 है, तो इनको हम गुणा करेंगे तो बराबर 34 उत्तर हो जाएंगे गुणनफल। तो ये जो है 34 और 102 के जो मसप है
वो मत समाप्त है वो 34 होगा। जी में बताया है 70, 105 और 175। ऊपर हमने दो संख्याओं के महत्व ज्ञात किए थे, अब इस प्रश्न में हम तीन संख्याओं के महत्व ज्ञात करेंगे। तो 70 पहले 70 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 × 7, फिर 105 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 × 5 × 7, फिर 175 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 × 5 × 7। अतः इन तीनों संख्याओं में जो गुणनखंड है उन गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 और 7 है। तो हम 5 और 7 को गुणनफल के रूप में लिखेंगे, 5 × 7 = 35। अतः 70, 105 और 175 का जो मत्स्य हुआ वो 35 हुआ। इस प्रकार हम आगे भी जो है प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें बताया गया है प्रश्न संख्या एच में 91, 112 और 49, ये भी तीन संख्याएं हैं। तो पहले 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 7 × 13, फिर 112 के अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 7, और फिर 49 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो के 7 × 7। अब हम इन सभी गुणनखंडों में हम देखते हैं तीनों संख्याओं के, तो 7 जो है सभी गुणनखंडों में जो है संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ है, अतः इनका जो मत्स्य होगा वो 7 होगा। इस प्रकार हम दो संख्याएं और तीन संख्याओं दोनों के भी मत्स्य ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 2, निम्न का मत्स्य क्या है, यानी दो कर्मागत संख्याएं, जैसे मान लीजिए 2 और 3 जो संख्याएं हैं और इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो उन दोनों संख्याओं का जो मत्स्य होगा वो 1 होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। बी में बताया 2 कर्मागत सम संख्याएं, अब सम संख्या हम जानते हैं 2, 4, 6, 8 होती है, और इन दोनों का जो है मत्स्य होगा वो सम संख्याओं में 2 होगा। प्रश्न सी में बताया 2 कर्मागत विषम संख्याएं, अब विषम संख्याएं मान लीजिए 3 है और 5 है, अब इन दोनों में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं इसके गुणनखंड हो सकते हैं, तो इनका जो मत्स्य होगा वो 1 होगा। इस प्रकार सम और विषम संख्याओं का मत्स्य भी हमने हल किया और उनके बारे में जाना।